हेलो, क्या भैया रक्षाबंधन इतने पास आने वाला है और आप अभी तक घर नहीं आए हो? और लड़कियों के भी भाई आ गए हैं जो बाहर जॉब करते हैं। हाँ हाँ, आपको हमारी कोई फिक्र है ही नहीं। अगर फिक्र होती ना तो घर पे होते। अच्छा, तो कब आ रहे हो आप घर? देखो भैया, मैं ना आपको पहले ही बता रही हूँ, अगर आप इस रक्षाबंधन को घर नहीं आए ना तो मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी, आप भी ध्यान रखना। और हाँ, मेरे लिए गिफ्ट्स लेकर आना। ओके। हेलो, हाँ बहन बोल। भैया रक्षाबंधन का त्योहार आ गया है, आप अभी तक घर नहीं आए हो। बहन तू टेंशन मत ले, मैं रक्षाबंधन से एक दिन पहले ही गांव आ जाऊंगा। भैया आपको याद है ना, आप हमें वचन दिए थे कि उपहार में हमें इस बार मोबाइल गिफ्ट करेंगे। हाँ हाँ, मुझे अच्छे से याद है, मैं इस बार तेरे लिए फोन पक्का लेके आऊँगा। ठीक है भैया, आप अपना ध्यान रखना। अब हम फोन रखते हैं, हमें घर का और भी काम है। अच्छा ठीक है। भैया आप एक मिनट यहीं गाड़ी रोक दीजिए। अच्छा ठीक है मैडम, मैं साइड में लगाता हूँ। भैया आप एक काम करो, ये गाड़ी घर पे खड़ी कर दो और आप अपने घर चले जाना, मैं आराम से आ जाऊंगी कैब करके। अच्छा ठीक है मेन साहब। मेन साहब मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात करनी थी? मेन साहब मुझे ना 3-4 दिन की छुट्टी चाहिए, वो राखी आ रही है ना तो मुझे गाँव जाना है अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए, और मुझे ना थोड़े से पैसे भी चाहिए एडवांस में। अच्छा, 3-4 दिन की छुट्टी? और एक बात बता, तुझे एडवांस में पैसे क्यों चाहिए? मेन साहब मैंने अपनी छोटी बहन से वादा करा था कि इस राखी पे ना मैं उसे मोबाइल गिफ्ट करूँगा, क्योंकि वो ऑनलाइन पढ़ाई करती है ना, तो उसी के लिए मेरे को पैसे चाहिए, इसीलिए मैं आपसे एडवांस मांग रहा हूँ। और मैडम मैं आपके यहीं पे तो काम करता हूँ, आप मेरे सैलरी में से धीरे धीरे पैसे काट लेना। अबे सुन, तुझे कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। और क्या बोला तूने, 3-4 दिन की छुट्टी, वो भी नहीं मिलेगी? मेन साहब प्लीज़ ऐसा मत करिए, मैं आपके यहाँ पे इतने सालों से काम कर रहा हूँ और इस बार मैं अपनी बहन के लिए फ़ोन नहीं लेके गया ना तो वो बुरा मान जाएगी। अबे ओ, मैंने ना तेरी बहन का कोई ठेका नहीं ले रखा है। और एक बात बता तू मुझे, जब तुम लोगों की कोई औकात नहीं होती ना वादे पूरा करने की, तो तुम ऐसे वादे करते ही क्यों हो जो तुम पूरा ना कर सको? तुम गरीबों की औकात ना सिर्फ 2 कौड़ी की होती है और सपने देखते हो दुनिया खरीदने के। मेरी बात ना कान खोल के सुन, अगर तू अपने गांव गया ना तो वहीं रहियो, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर गलती से आ गया तो मैं तुझे धक्के मार के काम से निकालूंगी। अरे श्वेता क्या हुआ, क्यों इस पे इतना गुस्सा कर रही हो? अरे यार सरजेश, क्या बताऊँ तुम्हें, देखो ना इसे पैसे मांग रहा है। अच्छा क्या हो भाई, क्यों पैसे चाहिए तुझे? साहब वो राखी आ रही है ना तो मैंने मेन साहब से 2-3 दिन की छुट्टी और कुछ पैसे एडवांस में मांगे थे। श्वेता तो इसमें गलत क्या है, ये तुम्हारे पास कितने सालों से काम कर रहा है, अगर ये घर जाना चाहता राखी पे तो इसको पैसे दे दो, कुछ काट लेना इसकी सैलरी में से तुम। अरे सरजेश ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम जानते नहीं हो इन जैसे फटीचर भिखारियों को। ये ना त्योहार का बहाना कर रहा है ताकि ये मेरे से पैसे ले सके, और जैसे से पैसे मिल जाएंगे ये वापस भी नहीं आने वाला अपने गाँव से, फिर किसको ढूंढूंगी मैं? श्वेता ये तुम कैसी फालतू की बकवास कर रही हो, और तुम ना थोड़ी तमीज में बात करो, वो भी एक इंसान है, उसकी भी फीलिंग है। और हाँ श्वेता एक बात बताओ, क्या तुम अपने भाई को राखी नहीं बांधोगी? हाँ बांधूंगी। तो श्वेता एक बात बताओ, जब तुम अपने भाई को राखी बांधोगी तो क्या ये अपनी बहन से राखी नहीं बनवा सकता? क्या त्योहार सिर्फ तुम्हारे लिए है? और श्वेता हर भाई की ना इच्छा होती है कि अपनी बहन को ना एक अच्छा सा गिफ्ट दे। अगर इसने अपनी बहन को गिफ्ट देने के लिए तुमसे कुछ पैसे उधार मांग लिए तो क्या गुनाह कर दिया? श्वेता मुझे ना तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी घटिया हरकत करोगी। और हाँ भाई, तो ये कितने पैसे चाहिए? मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ। सरजेश एक मिनट रुको, मैंने पता नहीं इसे गुस्से में क्या क्या कह दिया, लेकिन मुझे अब अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। श्वेता अगर तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो रहा है ना तो इससे माफ़ी मांगो, समझ में आया? आई एम सॉरी सागर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। और हाँ, तुझे अपनी बहन को गिफ्ट में फ़ोन देना था ना, रुक मेरे पास कुछ है, ये ले सागर फ़ोन। और हाँ, मैं तेरे अकाउंट में कुछ पैसे भी ट्रांसफ़र कर दूँगी, तो आराम से जाना अपने गाँव। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो सागर, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, जैसे तुम अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए एक्साइटेड हो वैसे मैं भी अपने भाई को राखी बांधने के लिए एक्साइटेड हूँ, लेकिन गुस्से में मैं ये बात भूल ही गई थी। प्लीज़ सागर मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और हाँ, आराम से घर जा और अपना राखी का त्यौहार अच्छे से मनाना। कैसी लगी आप सभी को हमारे द्वारा बनाई गई ये वीडियो, और आप सभी को टीम सरजेश कश्यप की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को ज़्यादा से लाइक करना, कॉमेंट करना और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना।